हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुलिस्ता सिद्दीकी। आपके चश्मे में काफी ज्यादा स्क्रैचेस आ गए हैं और आप काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। अभी ही चश्मा बनवाया था लेकिन स्क्रैचेस आ गए हैं और स्क्रैचेस की वजह से आपका विजन ब्लर हो रहा है और आप काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ अपने ग्लासेस के स्क्रैचेस को कैसे रिमूव किया जाए। सो गाइस, सबसे पहले कुछ बातों का काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा जिससे आपका जो चश्मा है वो खराब ना हो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, सबसे पहले आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ग्लासेस यूज करते हैं, मतलब चश्मा लगाते हैं, पावर ग्लासेस यूज करते हैं और आप काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं स्क्रैचेस से, तो आपको ये पॉइंट काफी क्लियर रखना होगा कि अगर आप चश्मा पहनते हैं तो अपने चश्मे को कहीं पर भी ऐसे नहीं रखना है। कुछ होते हैं कि हाँ उल्टा करके रख देते हैं तो उसकी वजह से भी स्क्रैचेस के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं चश्मे में, और वो स्क्रैचेस आपको विजन में प्रॉब्लम कर सकते हैं और आप जब कहीं पढ़ने बैठते हैं तो आपके विजन में वो दिक्कत कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी ग्लासेस को किसी भी टेबल पर रख रहे हैं या कहीं भी रख रहे हैं तो उसे उल्टा करके ना रखें। सेकेंड थिंग क्या करनी है, अगर आप अपना चश्मा साफ करते हैं तो आप अपने कपड़े का यूज़ कर लेते हैं, कोई भी हैंकी वगैरह यूज़ कर लेते हैं, किसी भी तरीके के कपड़े का यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके चश्मे में स्क्रैचेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो आपके चश्मे को नुकसान पहुँचा देते हैं और वो चश्मा आपकी आइज़ में डिस्टर्बेंस लाता है, मतलब आपके विज़न में डिस्टर्बेंस लाता है और आपको ब्लर विज़न हो जाने लगता है, आपको धुंधलापन लगने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके चश्मे में अगर स्क्रैचेस हो रहे हैं तो वो आपकी वजह से हो रहे हैं, आप उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो आपने अच्छे से ध्यान रखना है, अपने चश्मे को उल्टा करके नहीं रखना है, अपने चश्मे को किसी भी कपड़े से साफ नहीं करना है। आपने माइक्रोफाइबर, आपको जो चश्मा मिलता है जब भी तो उसके साथ एक चिकना सा कपड़ा मिलता है, उसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ कहते हैं, आप उससे ही यूज कीजिए और उससे अच्छे से क्लीनिंग कीजिए। और आप हो सके तो आप ऑप्टिकल पर जाते हैं या कहीं से भी अपना ग्लासेस परचेज करते हैं तो वहाँ क्लीनिंग स्प्रे होता है, तो वो माइक्रोफाइबर तो आपको देंगे ही देंगे, आपके चश्मे के साथ वो हमेशा आता है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ आता है, तो आप अपने ऑप्टिकल वालों से बोल सकते हैं कि वो क्लीनिंग स्प्रे भी दे दें, तो आप उससे अपने चश्मे को काफी अच्छे से साफ कर सकते हैं और उससे काफी ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं स्क्रैचेस आने से। माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ रहता है वो स्पेशली आपके चश्मे के लिए बना होता है और इससे आपके चश्मे में कोई स्क्रैचेस नहीं आते हैं, तो आप जब भी अपना चश्मा साफ करें तो माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ ही यूज करें, अदरवाइज कोई क्लॉथ यूज करने की जरूरत नहीं है। देन सेकेंड थिंग, अपने चश्मे को जो क्लीनिंग स्प्रे होता है उससे साफ करें। सो ये सब आप पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो आपके चश्मे में कभी भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। सो अब बात कर लेते हैं कि हम अपने चश्मे के स्क्रैचेस को कैसे रिमूव करें। घर पर ही रहकर आप अपने चश्मे के स्क्रैचेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, आपने एक कॉलगेट लेना है, कॉलगेट के साथ आप सोडा ले सकते हैं, बेकिंग सोडा हो सकता है या आप सोडा ले सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने चश्मे में कॉलगेट को डालना है, देन उसके ऊपर सोडा डालना है, देन अच्छे से मिक्स कर लेना है, देन जहाँ पर भी स्क्रैचेस हैं उसे मिला लेना है, देन पूरे चश्मे पे इस तरीके से लगा देना है, देन इसे लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप अपने चश्मे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं, इसे क्लीन कर लेना है, देन आप अब देखोगे कि आपके जो भी स्क्रैचेस हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं स्क्रैचेस, जादू हो गया है कि हाँ स्क्रैचेस बिल्कुल चले गए हैं, ऐसा नहीं है, कुछ हद तक आपके स्क्रैचेस कम हो जाएंगे। आई थिंक ये हैक आपके चश्मे पे वर्क करेगा। अगर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस है और आपका विजन ब्लर हो रहा है तो आपको तो ऑप्टिकल जाना पड़ेगा और आपका नया चश्मा बनवाना पड़ेगा, या आप अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाइए, अपने आई चेकअप कराइए और आप नया चश्मा बनवाइए। लेकिन ये हैक आप यूज़ करेंगे तो कुछ हद तक आपके स्क्रैचेस चले जाएंगे। और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को तो क्लियर रखना ही है, इससे आपके विजन में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।